नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुरभि सिंह और मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, जैसा मैंने पहले भी बताया था आपको। और गायनेकोलॉजिस्ट का मतलब समझते हैं ना, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, यानी कि वो डॉक्टर जो स्त्रियों के बारे में जानकारी रखते हैं और उनका इलाज करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में होती हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि उनको ठीक भी किया जा सकता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपनी हेल्थ को सबसे पीछे रखते हैं। अगर आप इसी को देख लीजिए, अभी लॉकडाउन में कितनी प्रॉब्लम हुई, लोग घर में रह रहे थे, सावधानी रखने के लिए कुछ भी नहीं था, बहुत सारी अनवांटेड प्रेगनेंसी हो रही थी। और बहुत सारी अनवांटेड प्रेगनेंसी में लोगों को लग रहा था डॉक्टर के पास जाए नहीं जाए, तो उनको आसान लगता है किसी मेडिकल स्टोर पर चले जाएँ और जो भी वो दवाई दे लेकर आ जाए। ना उस मेडिकल स्टोर वाले का काम आपकी का इलाज करना नहीं है, ना उसे आपके से ज़्यादा मतलब है। उसके लिए तो इस बात की खुशी है कि उसकी एक दवाई बिक रही है। वो दवाई का आपके शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे आपके लिए अच्छा होगा कि बुरा होगा, ये दवाई दी भी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती, ये मेडिकल स्टोर वाला नहीं जानता, क्योंकि उसका काम तो सिर्फ दवाई बेचना है, उसको उसी पे कमीशन मिलता है। तो वो तो चाहेगा कि कोई डॉक्टर के पास जाए नहीं जाए, दवाई लेने जरूर आ जाए, और वो काम आप उसके लिए कर रहे हैं। तो आपको ये बता दूं कि कोई भी दवा, खासकर अबॉर्शन वाली मेडिसिन, अगर आप बिना जानकारी के, बिना डॉक्टर को दिखाए और खासकर बिना अल्ट्रासाउंड कराए, बिना पहला अल्ट्रासाउंड कराए अगर आप ये दवाई लेते हैं, तो इसके बहुत बहुत घातक परिणाम भी देखने को मिले हैं। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी गलती से हो जाए तो जान तक जाने का खतरा रहता है। अगर प्रेगनेंसी बड़ी हो तो, और उसके बाद ये चारा ही ना बचे कि आप उसको अबॉर्ट करा सकें, तो एक विकलांग बच्चे को भी आप जन्म दे सकते हैं। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम है जो उसके बाद हो सकती है। मान लीजिए आपको रात में ब्लीडिंग हो जाए या अचानक से बहुत तेज़ पेट में दर्द हो, आप कहाँ जाएंगे, क्योंकि किसी डॉक्टर से तो आप मिले नहीं हैं, तो फिर कोई घरेलू इलाज करेंगे जिससे आपकी जान को नुकसान भी हो सकता है। तो बेहतर है कि किसी डॉक्टर के सुपरविज़न में, एक बहुत बड़ा, बहुत छोटा काम नहीं है अबॉर्शन करना, पहले भी लोगों को ने इतना कुछ किया, इसके लिए कितने सारे कानून बने, लेकिन ये क्योंकि भारत में तो सब चलता है कि नाम पे सभी कुछ चलता है, तो आपको, लेकिन उसके लिए आपकी जान कीमती नहीं है, आपके लिए आपकी जान कीमती है। उसके लिए तो उसकी नौकरी और उसका कमीशन इंपॉर्टेंट है, तो वो तो आपको दवाई दे देगा भले ही सरकार ने बैन की हुई है, मगर आपके लिए तो आपकी जान इकलौती है ना, उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो कोई भी दवाई डॉक्टर की सलाह के बिना, बिना अल्ट्रासाउंड के कभी भी अबॉर्शन की मेडिसिन मत खाइए। अगर आपने दवाई खाई है तो 7 से 10 दिन, 7 दिन के अंदर ब्लीडिंग बंद हो जाती है, 10 दिन के अंदर तो छोटा मोटा ब्लड का वो भी निशान भी आना बंद हो जाता है। उसके बावजूद भी दूसरा अल्ट्रासाउंड करा के देखिए कि क्या अबॉर्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जहाँ पेशेंट कहता है ब्लीडिंग तो बहुत अच्छे से हुई थी, 7 दिन बाद बंद भी हो गई, उसके बाद तो कोई तकलीफ ही नहीं हुई, लेकिन बच्चा अंदर बढ़ रहा होता है, कई बार इनकम्प्लीट भी रह जाता है, जिसमें बाद में इन्फेक्शन और सेप्टिक होने का डर रहता है। तो किस तरह के किसी भी छोटा सा एक अल्ट्रासाउंड के लालच में अपनी जान को जोखिम में मत डालिए, आपकी जान बहुत कीमती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि जब भी अबॉर्शन की मेडिसिन खाएं तो किसी डॉक्टर के सुपरविज़न में रहें, मेडिकल स्टोर से डायरेक्ट दवाई ना लें, पहले एक अल्ट्रासाउंड कराएं, डॉक्टर से मिले, दवाई खाएं और 15 दिन यानी कि 2 हफ्ते के बाद फिर एक रिपीट अल्ट्रासाउंड कराएं कि सब कुछ ठीक है या नहीं, तभी भरोसा करें। बिना देखे, बिना जाने इन बातों पे भरोसा नहीं करें, हो गया होगा, पड़ोसी का भी हुआ था, आंटी का भी हुआ था, मौसी का भी हुआ था, आप अलग हैं, इसलिए ध्यान रखिए कि आपकी जान या आपका शरीर अलग है। हर शरीर आपने नहीं बनाया ना, भगवान ने बनाया है, तो उसने उसी को हर शरीर को अलग बनाया, तो हर शरीर अलग तरह से रिएक्ट करता है, सब लोग एक जैसा नहीं रिएक्ट करते ना, तो इसलिए आपका शरीर अलग हो सकता है, तो आपकी परेशानियां भी अलग हो सकती हैं, जो सिर्फ डॉक्टर ही सही समय पे उसको ठीक कर सकता है। तो ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।